इम्पॉर्टेंट डिजीजेस, कुछ ऐसे एलिमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट. तो लेट्स डिस्कस विद दिस. तो सबसे पहले आता है आर्थराइटिस. तो आर्थराइटिस क्यों होता है? क्योंकि डिपोजिशन होता है यूरिक एसिड का. डायरेक्ट वन वर्ड में हमने आंसर कर रखा है, ठीक. तो इसको एज इट इज आप याद कर लीजिएगा. सिलोसिस लंग्स की डिजीज होती है. गोइटर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है. एमआरआई ये है इसका फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. नेक्स्ट आता है बीएमडी. तो बीएमडी से पूछ लिया जाता है कि बीएमडी किस चीज़ के लिए होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म. तो बीएमडी है बोन मिनरल डेंसिटी, और ये डायग्नोस करता है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में. इटाई इटाई डिजीज एक क्रॉनिक पॉइजनिंग है कैडमियम की. कैंसर एक अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स होता है. जब कंट्रोल्ड होता है तब कैंसर नहीं होता, जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है तभी कैंसर होता है. ब्लू बेबी या मिथिमोग्लोबिन, ब्लू बेबी या मिथिलोग्लोबिन जो बीमारी है वो आपकी बात वो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स इन वाटर. अगर बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है उस वाटर का जिसमें नाइट्रेट्स प्रेजेंट है, तो ब्लू बेबी डिजीज होती है. गोल्डन आवर ये वो टाइम होता है हार्ट अटैक के ऑनसेट के बाद का 1 घंटा, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर. नेक्स्ट आता है पोटेशियम. तो पोटेशियम बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, और अगर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है आपके शरीर में तो बीपी लो हो जाता है आपका. नेक्स्ट आपके रेडियो आइसोटोप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से रेडियो आइसोटोप कौन से डायग्नोसिस में काम आता है. तो आर्सेनिक 74 फॉर ट्यूमर, कोबोल्ट 30 फॉर कैंसर, आयोडीन 131 फॉर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, सोडियम 24 फॉर ब्लड डिसऑर्डर. नेक्स्ट आता है ऑन्कोजेनेसिस. ऑन्कोजेनेसिस एक ऐसी बीमारी है, एक इस टाइप का कैंसर है जो बेसिकली होता है एबनॉर्मल जीन्स की वजह से. ल्यूकेमिया की अगर बात करें तो इट इज अ ब्लड कैंसर, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC. IMRT. तो IMRT की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी. इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी बेसिकली ये यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सेरिब्रल प्लेसी ये बात करता है ब्रेन डिसऑर्डर की इन चाइल्डहुड, बचपन में जो ब्रेन डिसऑर्डर होता है दैट इज सेरिब्रल पेल्सी. देन आता है अल्जाइमर. अल्जाइमर में आपका ब्रेन इफेक्ट होता है. EEG की बात करें, ये बेसिकली ब्रेन की डिजीजेस के लिए होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोग्राफी. नोसीमिया ये आपकी बात करता है जहाँ पे आप स्मेल करने की जो सेंस होती है जब वो खत्म हो जाती है तो होता है नोसीमिया. खारिया इट इज़ अ जिंक डेफिशिएंसी डिजीज. एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी डिजीज. स्कर्वी ये हमने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी. अब उसमें अगर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वो होता है आंवला यानी गूजबेरी. मीनामाटा डिजीज मरकरी की वजह से होता है. एलर्जी बेसिकली अस्थमा होता है, और सबसे ज़्यादा आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है. मलेरिया का क्वेश्चन पूछा गया था तो ये ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है. फाइलेरिया की अगर बात करें तो लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करता है. एंसेफेलाइटिस ये ब्रेन को इफेक्ट करता है. निमोनिया लंग्स को इफेक्ट करता है. कैटरेक्ट की बात करें तो ये आइस की डिजीज है जिसमें जो आपका लेंस होता है, जो हमारे आँख में लेंस होता है, वो कैसा हो जाता है, ओपेक हो जाता है यानी कि सॉलिडिफाइड हो जाता है. जॉन्डिस की बात करें तो लिवर, ये क्वेश्चन पूछा गया था. डायबिटीज मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से भी होता है, क्योंकि बेसिकली जो शुगर होती है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो बेसिकली इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, और शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है उसमें. एस्टिगमैटिज्म ये आपकी आई सी डिजीज़ है. मायोपिया भी आपकी आई सी डिजीज़ है, और मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, आपको पास का नहीं दिखता है, और इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है. नेक्स्ट आता है एट्रोपीन. एट्रोपीन आपका यूज़ होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल जो आपकी आँख में होता है उसके डायलेशन के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, एट्रोपीन. ईथर यूज़ होता है एज अ लोकल एनेस्थीसिया. नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है हार्ट ट्रबल में. पायरेथीन यूज़ होता है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए. इंटरफेरॉन यूज़ होता है कैंसर में. गाउट की जो डिजीज़ होती है वो बेसिकली हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होता है इन ब्लड. डायबिटीज़ मालफंक्शन ऑफ पेंक्रियास. देन आता है आपका
एम्फीसीमा, ये लंग्स की डिजीज होती है। थैंक यू सो मच।